मथुरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मथुरा सिकावा ब्रांच की ओर से 3 दिवसीय खेलों की श्रृंखला का आयोजन मथुरा शहर के गणेशला स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें पहले सेमीफाइनल में सिकासा पेंथर और सिकासा ईगल के बीच क्रिकेट खेला गया, जिसमें सिकासा ईगल टीम विजयी हुई। वह दूसरा सेमीफाइनल सीए चैलेंजर व चार्टेड किंग 11 के बीच हुआ, जिसमें टीम सीए चैलेंजर विजयी हुए। वह चेस गेम में फाइनल में शुभम पाठक विजयी हुए। इसके अलावा टेबल टेनिस व बैडमिंटन और कैरम क्रिकेट सभी खेलों का फाइनल मुकाबला हुआ। सभी खेलों का फाइनल मुकाबला 13 जनवरी को विजयी टीमों के बीच खेला जाएगा। इस दौरान ब्रांच अध्यक्ष सीए अमित अग्रवाल ने खिलाड़ियों की उत्साह प्रशंसा करते हुए हर्ष व्यक्त किया व विजयी टीम्स को बधाई दी। जी, अपना नाम बताते हुए बताएं क्या आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम सीए अमित अग्रवाल, मथुरा ब्रांच ऑफ सीआईआरसी का मैं चेयरमैन हूँ। आज मथुरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मथुरा ब्रांच के द्वारा 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मेले का आयोजन गणेशला स्टेडियम में बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इसमें स्पोर्ट्स मेले के प्रथम दिन 11 तारीख को हमारे स्टूडेंट्स की 3 टीमों ने भाग लिया। आज दिनांक 12 तारीख को हमारे मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा ही रोमांचक मैच का आज आयोजन किया गया है। कल 13 तारीख को इस मैच का समापन है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच के दौरान मथुरा ब्रांच के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर और स्टूडेंट्स ने बड़े ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। मैं सीए नितिन अग्रवाल, चेयरमैन सकासा मथुरा ब्रांच। ये जो हमारा आईसीए स्पोर्ट्स मेला हो रहा है, इसमें क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस का भी आयोजन किया गया है। कल सभी फाइनल्स खेले जाएंगे। फाइनल मैचों के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वह सभी मेंबर्स मथुरा के जितने भी हमारे सीए मेंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वह उनकी फैमिलियों को हमने आमंत्रित किया है इस प्रोग्राम के लिए। इसमें कमल चावला जी जो क्रिकेट एसोसिएशन यूपी के मेंबर हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। क्या उद्देश्य है इन खेलों का? इन खेलों का उद्देश्य ये है कि जो हमारे सीए स्टूडेंट पढ़ाई दिन भर करते रहते हैं, उनका अभी पेपर रिजल्ट आने वाला है 17 तारीख को लगभग, तो उससे उनको पढ़ाई के माहौल से जो एक टेंशन का माहौल हम मेंबर्स में लगातार GST और नोटबंदी और इसके बाद है, उससे थोड़ा सा उनको जो अपनी दिमाग में टेंशन रहती है उसको कम करके रिलैक्स करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा गया है। और खेलों में उत्साह बढ़ जाए, बच्चों में उत्साह बढ़े, इसके लिए भी ये आयोजन किया गया है।